हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ग्लो। गाइस, आप जो पार्लर जाते हो तो 5,000 का आप कैरेटिन ट्रीटमेंट कराते हो। 5,000 का कैरेटिन ट्रीटमेंट बहुत होता है। तो पार्लर में जब हम जाते हैं तो पार्लर वाले हम लोगों को काफ़ी सजेस्ट करती है, अगर हमारे फ्रिजी हेयर हैं या हमारे बालों में काफ़ी ड्राइनेस आ गई है, डलनेस आ गई है, शाइन नहीं रही है, तो इन सब चीज़ों को अगर पार्लर में बताते हैं तो पार्लर में हम लोगों को यही सजेस्ट किया जाता है कि आप पार्लर ट्रीटमेंट करा लो, जिससे आपकी ये फ्रिजनेस है, जो डलनेस है, जो ड्राइनेस है, वो एकदम से चली जाएगी। और हम लोग उनकी बात मान के हम लोग महंगे से महंगा कैरेटिन ट्रीटमेंट करा लेते हैं, और वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, बट हम लोग ये सोच के करा लेते हैं कि हाँ चलो इसके बाद हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे, बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। तो और उसके बाद क्या आपको उसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है परमानेंटली? नहीं ना। जी हाँ, क्योंकि उसमें इतने केमिकल ऐड होते हैं, वो लोग जो हम लोग को जो कैरेटिन ट्रीटमेंट देते हैं हमारे बालों को, उसमें इतने केमिकल्स होते हैं कि उन केमिकल्स की वजह से जो कैरेटिन ट्रीटमेंट हम लोग कराते हैं उससे बाल सुंदर जो होते हैं वो सिर्फ कुछ देर के लिए होते हैं। अगर आपने जब तक हेयर वॉश नहीं किया है तब तक एक अच्छा लुक दे देते हैं हमारे बालों को, बट उसके बाद बाल इतने ख़राब हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और अभी तक तो बाल फ्रिजी थे, बाल डल थे, बाल ड्राई थे, बट उसके बाद बाल हमारा हेयर फॉल चालू हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाती है। मतलब आप लोगों ने पैसे भी खर्च किए, इतने ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट भी कराया और आपको उसका परमानेंटली रिजल्ट भी नहीं मिला, और उसके बावजूद आपका हेयर फॉल भी स्टार्ट हो गया। तो ऐसा कैरेटिन ट्रीटमेंट कराने का क्या फ़ायदा है कि आपके पैसे भी चले जाएं और आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी ना मिले और भी आपका हेयर फॉल और स्टार्ट हो जाए? तो इन सब चीज़ों का एक ही सलूशन है कि आप पार्लर में ये सब ट्रीटमेंट को बंद करो और जो मैं आपको होम रेमेडी बता रही हूँ कि आप ट्राई करो। इससे आपके बिजनेस बिल्कुल चली जाएगी, आपके बाल शाइन करने लगेंगे, डलनेस ख़त्म हो जाएगी और आपके बाल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। आपको इसमें कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके घर में अवेलेबल है, आपके किचन में अवेलेबल है, आप उन्हीं ही सामान से आप इजली अपनी होम रेमेडी तैयार कर सकते हो बालों के कैरेटिन ट्रीटमेंट के लिए। तो आपको करना क्या है जल्दी से देख लेते हैं। तो गाइस, आपको करना क्या है, आपको चावल लेने हैं। चावल बहुत अच्छा सोर्स होता है हमारे बालों के लिए। चावल हमारे बालों को ढेर सारा प्रोटीन देता है। जो हमें प्रोटीन होता है उससे भी कई ज़्यादा प्रोटीन चावल में होता है। अगर आप ना क्या है, आप चावल ले लो। चावल मैंने हाफ कटोरी लिया हुआ है, आप जितना चाहो तो ले सकते हो, बट हाँ ये बनाकर अगर आप सोचो कि इसको आप बनाकर रख लो तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चावल है, पका हुआ है, तो आप इसको फ्रिज में आप नहीं रख सकते हो बना के, क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो आपको जब इसको यूज़ करना है तो आप तुरंत आप इसको बनाओ और आप तुरंत इसको अप्लाई करो, तो उसमें एक बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अगर आप वर्किंग हो तो आप इसको मॉर्निंग में बना के रख सकते हो या नाइट में बना कर रख सकते हो और सुबह आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो आप एक दिन इसको चला सकते हो, बट उससे ज़्यादा आप इसको नहीं चला सकते हो। तो आप चावल ले लो, उसके बाद चावल को अच्छे से वॉश कर लो, उसमें जितनी भी गंदगी है उसको आप निकाल दो। और उसके बाद, बट गाइस प्लीज़ सेव द वाटर, निकला हुआ पानी है आप उसको प्लांट्स में डाल दो, और जो चावल हैं आप उसको गैस में मीडियम टू लो फ्लेम पे आप उसको आप चढ़ा दो, और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे आप कर दो और चावल को इजीली पकने दो। जब चावल आप देखना कि पक जाए, जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने देखा हुआ है, तो चावल जब बिल्कुल पक जाए वो बिल्कुल मेल्ट होने लगे, चावल जैसे घुल जाते हैं, तो उस टाइप से अगर चावल जब पक जाए तब आप उसको गैस से उतार लो और उसको ठंडा कर लो, उसको ठंडा होने दो, और उसके बाद एक जार में आप चावल ले लो और उसको ग्राइंड कर लो। आपको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है, एंड नोट, उसमें वाटर ऐड नहीं होगा, ये खुद ही इतना पक जाता है, चावल ओवर कुक हो जाता है कि आपको कुछ उसमें पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बट जार में आप उसको ग्राइंड कर लो, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है आपको, एंड उसके बाद आप खुद देखो ये पेस्ट ऐसे ही इतना खूबसूरत लग रहा है कि बिल्कुल जैसे कोई कंडीशनर होता है वो इस टाइप का लग रहा है, कोई क्रीमी बिल्कुल टेक्स्चर आ गया उसका, इतना खूबसूरत देखने में लग रहा है, कितनी शाइन लग रही है। बिल्कुल अभी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है, आप खुद देख लो कि ये बिल्कुल जैसा मैंने पीसा है बस वैसे ही मैंने ग्राइंड करके आपको दिखाया हुआ है, जिसमें ऑलरेडी इतनी शाइन है। तो सोचिए जब हमारे बालों पे ये लगेगा तब उसके बाद हमारे बालों में कितनी शाइन आने वाली है। एंड उसके बाद आप उसको एक बाउल में निकाल लो, जितनी आपकी हेयर लेंथ है आप उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी आप कर लो,
और उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया हुआ है आलमंड स्वीट ऑयल, आलमंड ऑयल मैंने उसमें ऐड किया हुआ है। मेरे पास आलमंड ऑयल नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप उसको आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हो, कोकोनट ऑयल भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो, बट अगर आपके पास आलमंड ऑयल है तब आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आलमंड ऑयल हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे बालों को एक स्मूथनेस देता है, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट ऑयल होता है। इस वजह से आलमंड ऑयल ज़्यादा बेस्ट है हमारी स्किन के लिए भी, हमारे हेयर के लिए भी। एंड उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया हुआ है ग्लिसरीन, हेयर पैक में ग्लिसरीन ऐड करते हो। ग्लिसरीन हमारे बालों को बहुत ही बेनिफिट देता है, बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आपने मेरे पहले के सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि ग्लिसरीन में क्या क्या ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारी स्किन और हमारे बालों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। ग्लिसरीन हमारे बालों को शाइन देगा, मॉइस्चर देगा, तो इसलिए मैंने उसमें एक चम्मच ग्लिसरीन ऐड किया हुआ है। और उन सबको आपको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। कितने कम इंग्रेडिएंट में कितना खूबसूरत हमारा एक केराटिन क्रीम तैयार हुई है। उसके बाद आप अच्छे से उसको मिक्सअप कर लो एंड उसके बाद आप बालों को अच्छे से सुलझा लो, बाल में एक भी नॉट ना रहे तो उस हिसाब से आप अच्छे से उसको सुलझा लो और उसको छोटे छोटे सेक्शन में अपने बाल का छोटा छोटा सेक्शन आप लो और उसके बाद अच्छे से उसको क्रीम फॉर्म में थोड़ा सा लेके और जड़ रूट से लगाते हुए आपको बिल्कुल टिप तक आना है। तो इस तरीके से आप उसको लगाइए, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हो इस तरीके से आपको इसकी एप्लीकेशन करनी है। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शन करके बालों के और रूट से लेके टिप तक आपको इस तरीके से स्ट्रेट फॉर्म में आपको लगाना है और बिल्कुल भी आपको उसे फोल्ड वगैरह नहीं करना है, बहुत आपको इजीली जेंटल तरीके से लगाना है और आप उस तरीके से पूरे में आप बालों में अप्लाई कर लो। एंड हाफ राउंड इधर आप एक जूड़ा बना लो, आप हाफ राउंड एक इधर जूड़ा बना लो और उसके अगर आपके पास शावर कैप है तो आप शावर कैप पहन लो, शावर कैप नहीं है आप कोई पॉलिथीन वगैरह भी पहन सकते हो और आपको एक घंटे तक आप उसको छोड़ दो इसी तरीके से। जब आप उसको छोड़ दोगे ना तो आपको गर्माहट अपने बालों में लगेगी, अपने सिर पर आपको गर्माहट सी लगेगी थोड़ी, तो वो गर्माहट इन्हीं सब ऑयल की और चावल की और जो हम लोगों ने ग्लिसरीन डाला है तो इन सब चीज़ों की, ये चीज़ें हमारे बालों को अंदर से रूट से हम लोगों को मॉइस्चर देंगी, जिससे जो बालों की जो फ्रिजनेस है, जो हमारे बालों की डलनेस है, ड्राइनेस है, तो वो बिल्कुल स्मूथ कर देगा। वो जो गर्माहट जो सी हल्की सी हम लोग को लग रही है, जो वॉर्म सा फील हो रहा है, तो वो हमारे रूट से और हमारे बालों की पूरी लेंथ को बिल्कुल स्मूथ कर देगी। तो आप इसी तरीके से उसको एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए एंड आफ्टर वॉश आप उसको नॉर्मल वाटर से आप हेयर वॉश कर लीजिए एंड अगर आप चाहो तो आप माइल्ड शैम्पू से उसको वॉश कर सकते हो, तो आप माइल्ड शैम्पू से भी उसको वॉश कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप उसको अभी शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहते हो तो अभी आप शैम्पू ना भी यूज़ करो तो भी कोई बात नहीं है, इजली आप उसको साफ़ कर लो अपने बालों को तो वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। आपको उसके बाद हेयर वॉश के बाद आपको कंडीशनर नहीं करना है, आप बिल्कुल भी कंडीशनर आपको नहीं करना है, क्योंकि जो हमने अभी अप्लाई किया हुआ है तो ये कंडीशनर के ही काम कर रहा है बिल्कुल, तो उसके उसको आफ्टर वॉश हम लोगों को कंडीशनर नहीं करना है, तो आप लोग कंडीशनर मत करना। उसके बाद जब आप उसका रिजल्ट देखोगे ना तो गाइस मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही देखो कि इसके बाद के इसको अप्लाई के बाद इसको वॉश के बाद मेरे ये बाल हैं और मैंने अभी बालों में कंघी भी नहीं की हुई थी, तब मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है, उसके बाद मैंने पॉम से बिल्कुल स्ट्रेट जाते हुए मैंने आपको दिखाया, शाइन देखो आप गाइस और फ्रिजनेस तो कहीं भी आपको दिख ही नहीं रही होगी। तो ये एक टेक्स्चर हो गया है बालों का जब आप इसको यूज़ करोगे ना, अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर है, डल है, ड्राई है हेयर, तो आपको इसको वीक में आपको एक से दो बार आपको यूज़ करना पड़ेगा, में एक से दो बार यूज़ करोगे तो वन मंथ तक आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा, तो उससे आपका जो फ्रिजनेस है, जो डलनेस ड्राइनेस है वो बिल्कुल चली जाएगी। अगर आपके में थोड़े से कम है, आपके इतने ज़्यादा फ्रिजीनेस नहीं है बालों में, डल नहीं है बाल, ड्राई नहीं है, तो आप इसको दो तीन हफ्ते तक अगर आप यूज़ करोगे तो दो हफ्ते में ही आपका बिल्कुल अच्छा रिजल्ट हो सकता है, आपका वन वीक में ही आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए, तो इसलिए आप अपने बालों के हिसाब से आप इसको यूज़ करना, बट हफ्ते में सिर्फ एक से दो बार आप इसको यूज़ करना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा आप जैसे आप ज़्यादा खा लोगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो उसी हिसाब से आप इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, अगर आप इसको डेली यूज़ करने लगोगे तो फिर वो बालों को हार्म करने लगेगा, तो इसलिए आपको वीक में एक से दो बार आपको यूज़ करना है। एंड गाइस जब इसको आप यूज़ करोगे तब ट्रस्ट मी आप इतने खुश हो जाओगे अपने बालों को लेके, इतने ज़्यादा आप एक्साइटेड, इतने खुश हो जाओगे कि
आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कि आपके बालों में इसने क्या मैजिकल इफेक्ट दिया है। आपको पार्लर जाके 5,000-5,000 रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही आप अपने नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स से, अपने किचन के ही इंग्रेडिएंट्स से आप बहुत अच्छा एक कैरेटिन आप पैक बना सकते हो, कैरेटिन क्रीम बना सकते हो, जिसको आप लगाने के बाद एक अमेजिंग रिजल्ट पाओगे, वो भी परमानेंटली। सो गाइस, ये अगर आपको पैक पसंद आया हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका बेस्ट रिजल्ट आप जरूर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।